Welcome back, my dear students. Myself Gourav. Now we will discuss about addition polymerization. कि addition polymerization क्या होता है? Addition polymerization का एक दूसरा नाम भी है. That is chain growth polymerization. Addition polymerization or chain growth पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. अब जैसा कि इसके नाम से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई चेन है जो ग्रो होती है, इस तरह का पॉलीमराइजेशन, कि ऐसा पॉलीमराइजेशन जिसमें हमारे पास पहले कोई स्मॉल मॉलिक्यूल था, उसमें आकर के कोई दूसरी मोनोमर यूनिट जुड़ गई है, जिसकी वजह से उस चेन की लेंथ जो है पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और फिर से कोई उसमें नई मोनोमर यूनिट आगे जुड़ेगी जिससे उसकी जो लेंथ है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन को या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को, दैट द सक्सेसिव एडिशन ऑफ अ मोनोमर यूनिट टू अ ग्रोइंग चेन कैरिंग फ्री रेडिकल और अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ कार्बोकैटायन और अ कार्बोएनायन. तो एक ग्रोइंग चेन हमारे पास है जिसमें या तो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है या उसमें कार्बोकैटायन प्रेजेंट है या फिर उसमें कार्बोएनायन प्रेजेंट है. उसमें अगर सक्सेसिवली कोई मोनोमर जुड़ता जाए और उस चेन को ग्रो करता जाए, उस चेन की लेंथ को इंक्रीज करता जाए, तो इस तरह के पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं दी सक्सेसिव और वी कैन से दी रेगुलर, ज्यादा ठीक रहेगा इसके लिए, दी रेगुलर एडिशन ऑफ the regular addition of a monomer unit in a growing chain carrying carbocation, comma carbonion, or free radical. So this is the definition of addition polymerization or we can say chain growth polymerization. अब जैसा कि हमने इसमें तीन words का use किया है, carbocation, carbonion और free radical. तो इन तीनों के different case बनाते हुए इस addition polymerization के तीन type के mechanism हम लिख सकते हैं या define कर सकते हैं. तो वो तीनों जो mechanism होंगे या तीनों जो methods होंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए, दे विल बी नंबर वन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन. सेकेंड वन इज कार्बोकैटायन पॉलीमराइजेशन. एंड थर्ड वन विल बी कार्बोनायन पॉलीमराइजेशन, कार्बोनायन पॉलीमराइजेशन. Starting with the first,
we will discuss about free radical addition polymerization. कि free radical addition polymerization क्या होता है? Free radical addition polymerization का सबसे popular example हम ले सकते हैं polymerization of ethene और we can say polymerization of ethylene molecule. जब ये molecule बार बार एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे that is we can say that कि जब बार बार ये एक दूसरे से जुड़ने के बाद polymerize होंगे और polymerization बनाएंगे then that polymer will be known as पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन. तो इसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं. दैट इज अबाउट फ्री रेडिकल addition polymerization इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं polymerization of ethene into polythene CH2 CH2 and time. This is ethene molecule or we can say ethylene molecule and this is polythene. These polymerizations occurs at high temperature of about 350 to 570 Kelvin and at under high pressure about 1000 to 2000 atmosphere. तो इसके लिए काफी drastic condition हमें चाहिए to convert an ethene molecule into an polyethene means for the polymerization of ethene. अब जो ये reaction है ये तीन steps में होती है. First of all these reactions occur through the mechanism of free radical polymerization और ये जो reaction है या कोई भी polymerization की reaction जो free radical mechanism से हो वो तीन steps में होती है. First one is initiation के बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं chain initiation initiation. Second one is chain propagation and third one is chain termination. तो इसमें ये तीन स्टेप्स होते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चेन इनिशिएशन. फर्स्ट वन इज चेन इनिशिएशन. अब जैसा कि इसके नाम से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि चेन इनिशिएशन मींस किसी चेन का इनिशिएट होना दैट इज किसी चेन का स्टार्ट होना. तो कोई भी चेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में किस तरह से स्टार्ट हो सकती है उसके लिए हमें सबसे पहले फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स की जरूरत होती है जो कि दो टाइप से हो सकते हैं परोक्साइड मोलिक्यूल एनी peroxide molecule. For example we have benzoyl peroxide or we can have dioxygen molecule. So these type of molecules are known as free radical initiator. इनको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर देन दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स और वो फ्री रेडिकल्स
जब किसी मोनोमर के साथ जाके जुड़ेंगे, मोनोमर इस तरह की कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहां से चेन इनिशिएट हो जाती है। इसका एक एग्जांपल एक हम देख सकते हैं इसमें। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेंजोइल परोक्साइड C6H5। दिस इज बेंजोइल परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड ऑन हीटिंग दिस मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइल फ्री रेडिकल C6H5 C डबल बॉन्ड O O फ्री रेडिकल। यहां पे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है एंड वी विल गेट फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5 रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पे ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल बनता है, दिस विल अटैक ऑन दी मोनोमर यूनिट कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जहां से हमारी चेन का इनिशिएशन होता है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी C6H5 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज आवर मोनोमर यूनिट एंड दिस इज आवर फ्री रेडिकल। नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड एंड द फ्री रेडिकल विल बी जनरेटेड हियर। यहां से हमारे पास आएगा C6H5 CH2 फ्री रेडिकल। तो यहां से इस टाइप से हमारी चेन इनिशिएट हो जाती है फॉर दी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये इस पे अटैक करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, दैट विल बिहेव एज एन फ्री रेडिकल। अब यहां से इसे नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, दैट इज अ चेन प्रोपगेशन स्टेप। कि ठीक है, चेन इनिशिएट तो हो चुकी है, अब ये चेन आगे कैसे बढ़ेगी, आगे प्रोपगेट कैसे होगी, वो हमें देखना है। दैट इज नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड स्टेप, दैट इज नोन एज चेन प्रोपगेशन स्टेप। सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में हम देख सकते हैं कि ये जो यहां पे मॉलिक्यूल बना है, सपोज दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल C6H5 CH2 फ्री रेडिकल, दिस विल अटैक ऑन दी अदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस मोनोमर एंड अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड जनरेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल ऑन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन C6H5 CH2 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 and CH2 फ्री रेडिकल। और इस तरह से जब ये प्रोसेस मैनी टाइम्स रिपीट होती है, बार बार ये प्रोसेस जब रिपीट होती है, देन आफ्टर फ्यू स्टेप वी विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ टाइप C6H5 CH2 CH2 CH2। दिस इज n टाइम्स एंड अगेन CH2 फ्री रेडिकल। तो इस तरह से जिस अमाउंट का हमें रिक्वायर्ड होता है, उस अमाउंट तक की पॉलीमराइजेशन हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब यहां तक आने के बाद हमारे पास बात आती है कि इस चेन को अब टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं। कि ठीक है, पॉलीमराइजेशन चल रहा है, अगर हमें इसको स्टॉप करना हो, इसको रोकना हो कि इससे आगे ये चेन ग्रो ना करे, ये चेन की जो पॉलीमराइजेशन है वो यहीं पे रुक जाए, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं इन द थर्ड स्टेप, दैट इज नोन एज चेन टर्मिनेशन स्टेप।
third step will be chain termination step. Chain termination step. चेन टर्मिनेशन स्टेप मीन्स कि चेन को टर्मिनेट कैसे करें. चेन को टर्मिनेट हम दो टाइप से कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है बाय जॉइनिंग ऑफ, और वी कैन से बाय एडिंग टू ग्रोइंग चेन, टू ग्रोइंग चेन्स. इसमें हम क्या करते हैं कि कोई दो चेन जो ग्रो हो रही हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ हम ऐड कर देते हैं. सपोज वी हैव द फॉलोइंग टू चेन्स, CH2 n टाइम्स, एंड दिस वन इज द फ्री रेडिकल, प्लस एनी सेकेंड चेन ऑफ द सेम टाइप CH2 n times and CH2 C6H5. तो इस तरह से हमारे पास ये दो चेन्स हैं, जिसमें एक में यहां पे फ्री रेडिकल है, दूसरे में यहां पे फ्री रेडिकल है. आफ्टर ज्वाइनिंग दे विल फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दिस टू, एंड दिस चेन विल बी टर्मिनेटेड लाइक दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल CH2 n times CH2 and again CH2, this is also n times CH2 and C6H5. तो इस तरह से इन दोनों मॉलिक्यूल की जॉइनिंग के बाद ये चेन टर्मिनेट हो जाती है. इसके इससे अलग भी एक हमारे पास मेथड है, दैट इज नोन एज बाय डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड. डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड से भी हम इस चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं. नंबर बी इज बाय डिसप्रोपोर्शनेशन by disproportionation method. C6H5. Suppose we have this type of chain. N times, then we have CH2 radical here, and second one chain is of type C6H5, CH2 N times CH2 and CH2 free radical. After disproportionation, what will we have? यहां से हम एक बॉन्ड को कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं कि एक फ्री रेडिकल यहां पे भी जनरेट हो जाए. जब यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, देन वी विल गेट अ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फ्रॉम दिस साइड, और यहां से जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आएगा, उसको हम इस CH2 के साथ ज्वाइन करवा के और यहां पे CH3 बना सकते हैं. दैट इज वी विल बी C6H5 CH2 CH2 n times, then we have this CH2 and CH2 plus H, that is our CH3 molecule. In addition to this, we will have a double bond at this side, that is we will have C6H5 CH2, then we have CH2 n times and CH double bond
CH2। तो इस प्रकार से हम इन दो मेथड्स की हेल्प से हम इस चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहां पे एक पूरी प्रोसेस आ जाती है कि किसी चेन को किस तरह से हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं कुछ टाइप के एग्जाम्पल्स की कि हमारे पास कौन कौन से मेन एग्जाम्पल्स आते हैं इन दी एडिशन पॉलीमराइजेशन, हम क्या क्या बना सकते हैं इस मेथड से, वो सब हम इसमें देखते हैं। दैट इज मेन एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पल्स सबसे पहले हम पॉलीथीन की बात ही करते हैं। पॉलीथीन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से हम दो टाइप के पॉलीथीन बना सकते हैं। नंबर वन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसको LDPE या LDPE के नाम से भी जाना जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, सेम नेम। हाउ दिस इज प्रिपेयर्ड, n टाइम्स CH2 एट टेम्परेचर ऑफ 350 to 570 केल्विन एंड अंडर हाई प्रेशर अबाउट 1000 to 2000 एटमोसफियर वी विल गेट लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब इसको लो डेंसिटी क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ये है कि ये जो पॉलीथीन इस मेथड से हमारे पास आता है, जो इस मेथड से पॉलीथीन बनता है, दैट इज अ ब्रांच पॉलीथीन और ब्रांच पॉलीमर। इस पॉलीमर में ब्रांचेस भी होती हैं जिसकी वजह से दिस कैन नॉट बी पैक्ड वेल, ये अच्छी तरह से पैक नहीं हो सकता। अगर अच्छी तरह से पैक नहीं होगा देन इट्स डेंसिटी विल बी लो एंड दैट इज ऑफ अबाउट 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज इट्स डेंसिटी एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 384 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है, दिस इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब ये बनता कैसे है, ब्रांचेस कैसे बनती हैं, बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, जिसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहां पे देख सकते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बन सकता है। सपोज दिस इज द ग्रोइंग चेन हाइड्रोजन हेयर CH2 एंड ग्रोइंग चेन। व्हेन दिस चेन विल रिएक्ट विद अनदर चेन हैविंग अ फ्री रेडिकल देन दिस हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस चेन एंड वी विल हैव CH2 CH, फ्री रेडिकल CH2 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 एंड अगेन दी ग्रोइंग चेन प्लस दिस चेन। इसको हम यहां पे लिखना, दिस इज नॉट सो इंपोर्टेंस, व्हेन दिस इज एडेड टू अनदर मोनोमर यूनिट देन दिस फ्री रेडिकल विल अटैक हेयर और ये यहां से ब्रांच की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें। दिस इज द ग्रोइंग चेन CH2 CH, हेयर CH2 CH2 एंड फ्री रेडिकल, नेक्स्ट वी हैव CH2 CH2 एंड दिस चेन इंक्रीजेज रेगुलरली। और यहां पे ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है दिस कैन रिएक्ट विद दी अ न्यू मोनोमर यूनिट और यहां पे ये ब्रांच इस तरह से ग्रो हो सकती है, यहां से भी ब्रांच स्टार्ट हो सकती है, यहां से भी और यहां से भी, कहीं से भी ब्रांच स्टार्ट हो सकती है।
अब क्योंकि इसमें काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है. एंड दिस इज ऑफ लो टफनेस, दिस इज ट्रांसपेरेंट, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. एंड देन इट्स अ इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ये इंसुलेटर होता है, गुड इंसुलेटर. ये था अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन. अगर हम इसमें अब बात करें हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बन सकता है, तो ये देखते हैं दैट हाउ हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड. हाई डेंसिटी पॉलीथीन और वी कैन से हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन. दिस high density polyethylene is prepared by a catalyst known as Zieglar-Natta catalyst. Zieglar-Natta catalyst ki help se isko banaya jata hai. In this method the requirement of temperature and pressure conditions are low than that of required for the formation of the low density polyethylene. Isme hame jo temperature chahiye that is 333 to 343 Kelvin. Atmospheric pressure requirement is from 6 to 7 atmosphere. और जो catalyst इसमें हमें चाहिए that is CH3, CH2, thrice aluminium, that is triethyl aluminium plus titanium tetrachloride. Sometimes we take here titanium trichloride also. This catalyst, this combination of these two chemicals, this catalyst is known as Zieglar-Natta catalyst. This is known as Zieglar-Natta catalyst. तो इस टाइप से हमें जो पॉलीथीन मिलता है that is high density polythene. इसकी जो डेंसिटी होती है that is high, that is approximately 0.97 gram per centimeter cube. And its melting point is also high, that's about 403 Kelvin. इसके अराउंड ये होता है. This translucent and high toughness used for the making of plastic buckets etc. Plastic chairs, plastic buckets, bags, इस तरह के मटेरियल सब हाई डेंसिटी पॉलीथीन से ही बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें जो हमारे पास है दैट इज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन. पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, इट्स नेम इज टेफ्लोन, इसको हम टेफ्लोन भी बोलते हैं. फॉर दिस वी टेक टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन एंड मॉलिक्यूल्स आफ्टर पॉलीमराइजेशन इट गेट चेंज टू CF2 chain, that is poly tetrafluoro and ethylene after polymerization. इसमें जो ये PTFE बनता है, इसमें खास बात यह है कि this polymer is inert to the action of many organic solvents and even inert to aqua regia. ये जो polymer है इस पे एक्वा रीजिया का भी कोई इफेक्ट नहीं होता. तो इस तरह से हमने यहां पे डिफाइन किया है और डिस्कस किया है अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, थैंक यू.